अब रुक करेंगे हिमाचल का। दरअसल हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रीय विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई है, और इस बार के विंटर कार्निवल की शुरुआत कैसी हुई और इसमें क्या कुछ खास होने वाला है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी तो आम है, लेकिन फूलों की बारिश हो तो जरा सोचिए। पहाड़ों पर विंटर कार्निवल में जब रंग बिरंगे नजारों के बीच फूलों की बारिश होती है तो नजारा कितना खूबसूरत लगता होगा। ऐसे ही शुरू हुआ है मनाली का विंटर कार्निवल। वीरवार को गाजेबाजी और नाच गाने के साथ शुरुआत हुई मनाली के विंटर कार्निवल की, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और ये शुभारंभ प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ने किया। मनाली के बहुचर्चित हडिम्बा मंदिर में सबसे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने पूजा अर्चना की, और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों से आई झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जरा इसकी एक छोटी सी झलक इन तस्वीरों में देखिए। मनाली के विंटर कार्निवल की शुरुआत करते हुए सीएम जयराम ने प्रदेशवासियों को उसकी शुभकामनाएं दी। मेरा मानना यह कि प्रयास उस दिशा में है, कई बार सफलता पूरी मिलती है, कई बार सफलता के करीब पहुंचते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि विंटर कार्निवल एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है पूरे मनाली में, हमारे खासतौर से विंटर सीजन में टूरिस्ट को यहां पर आकर्षित करने के लिए, और उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका, जहाँ अपनी संस्कृति की एक झलक जो है देश और दुनिया से आए पर्यटक यहाँ पर जो है वो देख करके जाते हैं। इस बार के विंटर कार्निवल में कभी बर्फ से ढके पहाड़ पर रोमांचक खेलों का आयोजन होगा, तो कभी पहाड़ी लजीज व्यंजनों की खुशबू बिखेरेगी। इसके अलावा पारंपरिक डांस परफॉर्मेंस की भी झलक देखने को मिलेगी। कार्निवल के आखिरी दिन विंटर क्वीन भी चुनी जाएगी। सभ्यता संस्कृति की एक खूबसूरत झलक आपको मनाली में देखने को मिलेगी। अगर आप भी हिमाचल के आसपास रहते हैं तो मनाली में आयोजित होने वाले कार्निवल का हिस्सा जरूर बने। इसी खास मौके पर हमारे संवाददाता ने प्रतिभागियों से भी बातचीत की, जरा सुनिए। 2020 विंटर कार्निवल मनाली शुरू हो चुका है। रंगारंग झांकियों पर पूजा अर्चना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला मंडल द्वारा एक झांकी दिखाई जा रही है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो बावड़ी कहते हैं, यहाँ की जो लोकल भाषा में बावड़ी कहते हैं, बावड़ी मतलब पहले जो है पानी का जो स्रोत होते थे, पानी के स्रोत होते थे, वो लुप्त होते जा रहे हैं, तो इस तरह के जो स्रोत जो है लुप्त ना हो, एक बार फिर से जीवित हो, वो दिखाने की कोशिश की गई है जागृति कला मंच मनाली के कलाकारों द्वारा। तो आप देख सकते हैं एक सुंदर इनकी एक प्रस्तुति है, बेहद ही खूबसूरत इन्होंने ये जो झांकियां इसके माध्यम से बावड़ी को जीवित करने की कोशिश की है। इस झांकी के माध्यम से ये भी दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पुराने समय में जो है बर्तन धोए जाते थे, साबुन और विम बार का इस्तेमाल नहीं होते। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पहले का जो तरीका था जो बर्तन धोने का, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राख है, ये जो तंदूर से निकाला गया। आइए इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, ये बताइए कि ये आप विम बार की जगह आप ये यूज कर रहे हैं, छार कर रहे हैं, क्या वजह है? इसे तांबे कांच के बर्तन अच्छे ढंग से साफ हो जाते हैं, इनका पीलापन भी हट जाता है, बर्तनों में पीलापन भी नहीं रहता है और अच्छे ढंग से धुल जाते हैं। जो विम बार आज के समय में यूज होता है, विम बार से भी अच्छे धुलते हैं, इससे ज्यादा अच्छे ढंग से धुलते हैं और इससे ही रहता है यूज करने का। तो इनका देखिए साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से जो है जो पुराना तरीका था जो बर्तन साफ करने का, उसको आजमा रहे हैं। इनका कहना है कि विम बार और साबुन के बजाय इनसे जो है बर्तन अच्छे धुलते हैं। अपने सहयोगी शिवराम के साथ कमलेश, वो जनता टीवी मनाली।